हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं हम। मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते रहते हैं कि मैम, आप अपने बेबी के लिए कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको डिटेल में थोड़ा बताइए। तो हमने सोचा सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। गाइज, ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छे हैं, टोटली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अपने बेबी के साथ जब से उसका बर्थ हुआ है तब से उसके साथ हमने ये यूज किया है और जो सही लगे हमको वो ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहां क्लिक करके उस लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो आपको पता ही है, लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गाइज, एज न्यू पेरेंट्स हम बहुत वरिड होते हैं कि अपने बच्चों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करें कौन से नहीं। बहुत सारे जाने माने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफी सारे आरोप लगे या ऐसा भी माना गया कि ये सही नहीं है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैं बात कर रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन बहुत पहले से, मेरी मम्मा भी मुझे बताती हैं कि व्हेन आई वाज स्मॉल तभी भी मेरे ऊपर प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं और हमने भी अपने बेबी पे यूज किए तो हमें भी अच्छे लगे। बट हम अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो सूट करता है, तो उसकी आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। तो अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी के मसाज के बारे में, क्योंकि हम सबसे पहले बेबी का मसाज करते हैं जब स्किन केयर की बात होती है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑयल बेबी के लिए यूज करना चाहिए। गाइज, अक्सर एक क्वेश्चन आया है कि क्या बच्चों के लिए हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है और आपके बेबी के स्किन के ऊपर है कि वो उसको अडैप्ट करता है कि नहीं। बट गर्मियों में बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना है। अगर ठंडियों में आपके बच्चों को सूट करता है तो आप यूज कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं यूज किया है, हमने दूसरे ऑयल्स यूज किए हैं, तो आइए आपको हम उसकी बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने यूज किया है वो है फिगारो का ऑलिव ऑयल। ये हमने सिर्फ ठंडियों में यूज किया है, हम ये नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं और ये हम फरवरी तक यूज करते हैं। उसके बाद हम कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है और आप इसको देख सकते हैं, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड है। गाइस, पैराशूट और इस तरह के ब्रांड्स के कोकोनट ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करने हैं बच्चों के लिए, वो सही नहीं होते। हमेशा आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड हो, वो किसी भी ब्रांड का, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी मसाज के लिए कोकोनट ऑयल ऑल ईयर राउंड आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा होता है। साथ में गाइस, हिमालय का जो ऑयल होता है ये काफी अच्छा होता है, स्पेशली विंटर्स में आप यूज कर सकते हैं, इसको समर्स में भी यूज कर सकते हैं, ऑल ईयर राउंड ये काफी बेनिफिशियल होता है। तो ये तीन ऐसे ऑयल्स थे जो हमने अपने बेबी के पूरे बॉडी में अप्लाई किए थे। अब बात करते हैं कि बच्चों के हेड पे कौन सा ऑयल यूज करना है हमको। गाइज, वैसे तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ये जितने भी कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट हमको हॉस्पिटल से एक ये मॉलिश ऑयल मिला था। इसमें कई सारे ऑयल्स का एक मिक्सचर होता है, जनरली हर जगह नहीं मिलता है, बट ये बहुत ही अच्छा ऑयल होता है। इसमें बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर है, सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स, लाइक तिल का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सब अलग अलग क्वांटिटीज में इसमें मिक्स होता है, तो वो बच्चों के लिए काफी हेल्दी होता है। अगर आपको ये मिल जाता है या और किसी ब्रांड में, किसी ब्रांड नेम के साथ जिसमें अच्छे ऑयल के मिक्सचर का कॉम्पोजिशन हो, वो बच्चों के हेड के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो अब हमने जब बच्चों का मसाज कर दिया, उसके बाद बात आती है बच्चों को बाथ दिलाने की। बाथ के लिए गाइस हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज किया था वो था बेबी वॉश। जॉनसन्स का हमने यूज किया था टिप टू टो बेबी वॉश, ये नो टीयर्स वाला है। वैसे बच्चों के आंखों को हमेशा दूर रखना चाहिए इन सब चीजों से, अगर गलती से बच्चों की आंखों में चला भी जाता है तो ये उतना नुकसान नहीं करता है। जब से
अरब का बर्थ हुआ है तब से हमने उसके उसको ये यूज किया है और ये काफी अच्छा है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। साथ में हमने एक पिजन का भी एक्टिव बेबी वॉश यूज किया है, ये भी काफी अच्छा है। बट अगर दोनों में से कंपेयर किया जाए तो मेरी रिकमेंडेशन जॉनसन की तरफ जाएगी, बट पिजन भी काफी अच्छा ब्रांड है। उसके बाद गाइस शैम्पू की बात आती है तो हमने इसके लिए जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज किया था, ये भी नो मोर टीयर्स है, इससे भी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आंखों में गलती से भी चला जाता है तो हमने और कोई भी शैम्पू हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे, तो हमने ये जॉनसन का शैम्पू यूज किया। साथ में अगर हम बात करें बॉडी वॉश की तो बॉडी वॉश हम पूरे बॉडी में अपने बेबी के लगाते थे बट फेस पे हम उसको हमेशा ही सोप लगाते थे, क्यों ये था जॉनसन का बेबी सोप। ये आपको अलग अलग फ्लेवर्स में भी मिल जाएंगे तो जो आपके बच्चों को सूट करे आप वो यूज कर सकते हो। तो ये सारे हो गए बात प्रोडक्ट्स। अब नहलाने के बाद बच्चों की बॉडी का को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है। अच्छा गाइस उसके पहले काफी क्वेश्चंस आए हैं कि बच्चों को क्या टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं, तो पाउडर्स जनरली डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करेंगे, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि पाउडर्स एकदम अवॉइड करिए। बच्चों को काफी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, काफी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, इस वजह से पाउडर अगर आप लगाते हैं तो बच्चों की स्किन काफी ड्राई हो जाती है, तो प्लीज उसको अवॉइड करें। तो इस वजह से प्रॉपर मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के बॉडी लोशन की, तो हमने जॉनसन्स का ये बॉडी लोशन शुरू से ही यूज़ किया है तो ये काफ़ी अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। अगर आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो ये परफेक्ट है, अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप पिजन का भी जो मिल्क वाला बॉडी लोशन आता है आप वो ट्राई कर सकते हैं, हमने ठंडियों में वो ट्राई किया हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा होता है पिजन का भी बॉडी लोशन। वैसे अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल स्किन है तो ये परफेक्ट होता है, आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद फेस के लिए हमने ये जॉनसन्स की बेबी क्रीम यूज की हुई है, इसके भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप दिन में इसको दो बार यूज करिए, काफी अच्छा रहता है, एक बार सुबह बात के बाद, उसके बाद रात में सोने से पहले बच्चे का फेस वॉश कर लें और इसको लगा के ही सुलाएं क्योंकि रात में और ड्राई हो जाती है स्किन, इस वजह से हमेशा ये सजेस्टेड है कि रात में सोने से पहले भी एक बार फेस वॉश करके और आप ये क्रीम लगा दें ताकि बच्चों की स्किन भी हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं कि बच्चों में अक्सर डायपर रैश हो जाता है, तो डायपर रैश को क्योर करने के ऊपर भी हमने एक वीडियो किया हुआ है, बट क्योंकि इसमें सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, हमने हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज की है शुरू से भी, ऑल्दो उसको काफी ज्यादा रैश प्रॉब्लम्स हुई नहीं है बट हम हमेशा ही ये क्रीम उसके यूज करते हैं। साथ में हमने जो आपको स्टार्टिंग में कोकोनट ऑयल दिखाया था ये भी आप डायपर रैश के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में डायपर रैश जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब हमने ये क्लोट्राइमाजोल का पाउडर यूज किया है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है गाइस। अगर डायपर रैश की ज्यादा प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो किया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, आप उसको वहां से चेक कर लीजिएगा। साथ में आजकल क्योंकि गर्मियां इतनी पड़ रही हैं तो सनस्क्रीन के बारे में पूछते हैं लोग कि कौन सी सनस्क्रीन यूज करें, तो हमने ममा कि ये मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज की थी, अभी भी ये यूज कर रहे हैं, एक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये दूसरा है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं गाइस, आप बिल्कुल इसको यूज करिए, ट्राई करिए, बहुत अच्छी है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि गर्मियों के टाइम पे आप घर में भी बच्चों को सनस्क्रीन लगा के ही रखें, ऐसा नहीं है कि जब हम धूप में बाहर जाए सिर्फ उस टाइम हमें सनस्क्रीन लगानी है, आप घर पे भी ये सनस्क्रीन लगा सकते हैं।
सो गाइज ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने बेबी के साथ यूज किए थे, तो आई थॉट आपके साथ ये शेयर करना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे कि मैम आप आरएफ के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. ये सारे ही प्रोडक्ट्स गाइज बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ईजिली मिल जाते हैं आपको, नॉर्मल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे और साथ में अमेजोन पे भी मिल जाएगा. हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं. इन केस कोई और प्रोडक्ट्स हो जो आप यूज कर रहे हो जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. हम सब जानना चाहते हैं बिकॉज हम एक कम्युनिटी है, तो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करें. हो सकता है कुछ चीजें मैंने मिस आउट कर दी हो तो आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.